उत्कर्ष जी, मैं पंकज जी के पास बाद में, उत्कर्ष यहाँ पे जो जो प्रश्न मैंने उठाया, क्या वाकई में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की स्थिति कमजोर है या मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खुद अपनी स्थिति कमजोर कर ली है? क्योंकि आज की तारीख में किसी को नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। आपने कैबिनेट मिनिस्टर तक को वहां उतार दिया है, तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो लोगों को लग जाता है कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। और आखिरी समय प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अब थावा झुक के हमारे खिलाफ है, इसलिए इसको बदलने के लिए कुछ किया जाए, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए आशुतोष जी, जब से ये चुनाव पर्चा दाखिला हुआ है उसके बाद से मैंने मध्य प्रदेश के दो दौरे किए। पहला मैं छतरपुर, टीकमगढ़ और उस इलाके में था जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और दूसरी बार जब मैं गया तो मैं शिवपुरी और गुना और सागर की तरफ होके आया। और इन दो बिल्कुल अलग इलाकों के भीतर जो माहौल मुझे मिला या जो हम लोग समझ पा रहे हैं, वो बिल्कुल सीधा ये है कि मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है। अभी तक ऐसा लग रहा है, बाकी अभी दो दिन बाकी हैं, पता नहीं क्या बदलाव हो और जनता क्या मन बना के रखी है, सामने क्या बोल रही है, लेकिन जो जो एक फील मिली, फर्स्ट हैंड फील मिली वो है। और दूसरी बात इसमें जो खास बात समझ में आई कि मध्य प्रदेश की जनता को उन ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत पर्सनली ले लिया है, जनता ने क्यों लिया है पता नहीं, लेकिन उनके प्रति एक बड़ी नकारात्मक सी स्थिति मुझे इन मतलब तकरीबन 12-13 विधानसभा क्षेत्रों के भीतर जाने के बाद मुझे ये जरूर महसूस हुआ। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके दम पर ये सरकार जो फिलहाल है वो बनी हुई है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के बहुत ही निगेटिव वाइब्स चल रही है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के साथी बता रहे हैं कि वो बहुत असहज है, नरेंद्र सिंह तोमर थोड़ा परेशान है। तो ये वो लोग हैं जिनको उतारा गया था, और जिनको उतारा गया था अगर वही परेशान है तो वो दूसरे क्षेत्रों में क्या प्रभाव पैदा कर पाएंगे, तो एक प्रश्न है। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर के बहुत एक क्लियर, वो भी पार्टी और शिवराज के बीच का संघर्ष दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी दूर मैं गया, मैंने ये देखा कि जितनी प्रचार सामग्री थे उसमें शिवराज नहीं, और जो जो सिटिंग सीएम है वो नहीं है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, अमित शाह खुद कहते हैं, जेपी नड्डा जी खुद कहते हैं कि ये कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री और कमल का फूल ही इसका चेहरा है। ऐसे में सब कुछ दांव पर लगा है, माहौल खिलाफ, हालात मुफीद नहीं है, कोई कार्ड बैठ नहीं रहा है। तो अब यही सही, यहां तक कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वो राजस्थान के कन्हैयालाल का जिक्र भी ले आ चुके हैं, जो वो एक घटना हुई थी, क्योंकि अंततः हिंदू तुष्टिकरण और हिंदू भावना का उभार वो भारतीय जनता पार्टी का एक परमानेंट अस्त्र है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो उसका प्रयोग तो करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा, ये राकेश भाई ने तो बड़ा डिटेल कर दिया, मैं खाली एक चीज कहता हूं कि ये पहली बार नहीं है, वो जब भी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना होते हैं वो कुछ इसी तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो या जर्सी गाय की बात हो, मतलब वो एक सीमा नहीं रुकती है। और उसके बाद फिर उनके समर्थक जब रिएक्शन होता है तो उनके समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर आप ऐसी बात नहीं कर सकते। तो ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ये लास्ट रिसॉर्ट रहा होगा, लास्ट स्ट्रेटजी रही होगी जब उन्होंने पूरी तरीके से खुद के ऊपर ले लिया, और दूसरी बात टारगेट पे राहुल गांधी को लिया, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू कैंपेन लगभग 8-8.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने चलाया। ये अब जाहिर बात है, इसलिए इसको कहने में को गुरेज नहीं है। तो वो चलाया, चलाने के बाद कुछ हालात ऐसे बदले कि वो टैगलाइन ही फेल हो गई, और टैगलाइन फेल होने के बाद लेकिन अब उस ब्रांड इक्विटी को कैसे लूज करें, तो फिर उसको लेकर के नए सिरे से आना। अब
मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग और उसके प्रॉफिट का हिस्सा जाना, ये इतनी टेक्निकल बातें कि आम आदमी इसको कितना समझता है, और इन्हीं का फायदा उठाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ये जो रणनीति जो विनोद भाई कह रहे थे, बात एकदम लगभग वहां तक जा रही है, क्योंकि ये ठीक वैसी ही बात है। अब कांग्रेस के सामने एक ऐसी गेंद पड़ी है जो मिडिल स्टंप पे पड़ के ऑफ स्टंप से हल्का सा बाहर निकल रही है, अगर बल्लेबाज ने बैट लगाया तो वो या तो विकेट कीपर या फर्स्ट स्लिप में जाएगा। तो ये जो स्थिति है, ये एक कोशिश है कि स्लॉग ओवर्स है जीतने की स्थिति है, तो जो निकल पाए कोशिश करें। लेकिन कुल मिला के प्रधानमंत्री की गंभीरता, उनकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर की छवि, जो ये कहा जाता है कि वो फोन करके ही दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष पूछता है कि भाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है, तो इन सब के खिलाफ से मैच नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रणनीतिक, मतलब एक स्वभावगत, जो जैसे नेचुरल प्ले करते हुए अगर आप कोई स्ट्रेटजी प्ले कर जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।